गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स, आइए क्लास सिक्स का दीपिका व्याकरण का शब्द भंडार वो का बुलेरी देखते हैं। लेसन सिक्स, हिंदी भाषा का शब्द भंडार बहुत विशाल है। इसमें अनेक प्रकार के शब्द हैं जिनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्द, विरोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, समश्रुत भिन्नार्थक शब्द आदि का अध्ययन हम इस अध्याय में करेंगे। पर्यायवाची देख लेते हैं, पर्यायवाची शब्द देखते हैं। परिभाषा, आइए बच्चों पर्यायवाची का परिभाषा देखते हैं। जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अब शब्द और पर्याय देखिए, आग का अग्निपावक अनल, अंधकार का पर्याय तम तिमिर अंधेरा, आंख का नयन नेत्र चक्षु, कमल का जलज नीरज पंकज, घर का गृह सदन भवन, चांद का चंद्रमा शशि मयंक, जल का नीर पानी वारी, पहाड़ का पर्वत गिरी अचल, दिन का दिवस वार दिवा, फूल का पुष्प सुमन कुसुम, मित्र का सखा मित साथी, राजा का नृप नरेश भूप, शिव का शंकर महादेव महेश, सूरज का सूर्य दिनकर रवि, आकाश का नव गगन आसमान, अभिलाषा का इच्छा आकांक्षा कामना, ईश्वर का प्रभु परमेश्वर भगवान, गंगा का भागीरथी मंदाकिनी जाह्नवी, पेड़ का वृक्ष तरु पादप, जंगल का वन अरण्य कानन, पृथ्वी का धरा भूमि वसुधा, पक्षी का खग नभचर विहग, नदी का सरिता तटनी तरंगिणी, वायु का पवन समीर हवा, माता का माँ जननी अम्बा, रात का रात्रि निशा रजनी, समुद्र का सागर सिंधु जलधि, सांप का सर्प भुजंग नाग, किनारा का तटकूल तीर, बाग का उपवन बगीचा वाटिका, कपड़ा का वस्त्र वसन चीर, नौका किश्ती तरणी। विलोम शब्द परिभाषा, विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे शब्द और विलोम देखिए, अमृत विष, आरंभ अंत, आदर निरादर, अंधकार प्रकाश, कठोर कोमल, शांत अशांत, कपटी निष्कपट, गुण दोष, आजाद गुलाम, अंदर बाहर, आस्तिक नास्तिक, अनुकूल प्रतिकूल, अनाथ सनाथ, अधिक कम, आयात निर्यात, आदान प्रदान, उन्नति अवनति, हानि लाभ, स्वामी सेवक, जन्म मृत्यु, जड़ चेतन, आय व्यय, ईमानदार बेईमान, क्रय विक्रय, अच्छा बुरा, अर्थ अनर्थ, उपयुक्त अनुपयुक्त, उपकार अपकार, न्याय अन्याय, पक्ष विपक्ष, पसंद नापसंद, पूर्ण अपूर्ण, पाप पूर्ण, धूप छाया, वीर कायर, हित अहित, यश अपयश, राजा रंग, लायक नालायक, शुभ अशुभ, हास्य रुदन, रक्षक बच्छक, ज्ञान अज्ञान, नया पुराना, सपूत कपूत, सरस नीरस, हारना जीतना, घृणा प्रेम, मौखिक लिखित दूषित स्वच्छ। अनेकार्थी शब्द देखिए परिभाषा, जो शब्द एक से अधिक अर्थ देते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे शब्द है और अनेक अर्थ हैं। अंक का संख्या चिन्ह गोद, दल का पत्ता पार्टी झुंड सेना की टुकड़ी, अंबर का क्या है आकाश वस्त्र, तीर का है बाण किनारा, हार का है पराजय फूलों की माला, कर टैक्स हाथ किरण सूंड, अर्थ
अर्थ का देखिए, धन आशय प्रयोजन, बाल का क्या है, केस बच्चा गेहूं की बालें, वर का क्या है, दूल्हा श्रेष्ठ वरदान, मधु का शहद शराब मीठा, पद का पैर ओहदा स्थान, अरुण का सूर्य लाल रंग, सूर्य का सारथी। यही शब्द देखते हैं और अनेक अर्थ उसके। वार दिन आक्रमण, जड़ मूल मूर्ख, उत्तर जवाब और एक दिशा है, अक्षर का वर्ण ईश्वर आकाश, जीवन का जिंदगी जल, अंतर भेद दूरी शेष, स्नेह का प्रेम तेल चिकनाई, पानी का जल चमक सम्मान, आम का एक फल साधारण, पत्र का पत्ता चिट्ठी पृष्ठ, घट का शरीर घड़ा, दंड का डंडा सजा एक व्यायाम। आइए वाक्यांशों के लिए एक शब्द देख लेते हैं। परिभाषा, वह उपयुक्त संक्षिप्त शब्द जो वाक्यांश अथवा अनेक संबद्ध शब्दों के लिए शीर्षक का कार्य करता है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे वाक्यांश और एक शब्द, जो दिखाई न दे अदृश्य, जहाँ जाना कठिन हो दुर्गम, जिसके समान दूसरा न हो अद्वितीय, पढ़ने वाला पाठक, लिखने वाला लेखक, बोलने वाला वक्ता, ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, कम जानने वाला अल्पज्ञ, जिसमें शर्म न हो बेशर्म, सरलता से मिलने वाला सुलभ, जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय, शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी, जिसने अपराध नहीं किया हो अब निरपराध, सबको समान मानने वाला समदर्शी, रोज रोज होने वाला दैनिक, वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक, साथ साथ पढ़ने वाला सहपाठी, जो स्वयं पर निर्भर हो स्वावलंबी, अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री, जो छिपाने योग्य हो गोपनीय, जो बड़ा भाई हो अग्रज, सुनने वाला श्रोता, ईश्वर को मानने वाला आस्तिक, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी, बिल्कुल न जानने वाला अज्ञ, कठिनाई से मिलने वाला दुर्लभ, बहुत मूल्य वाला बहुमूल्य, मांस खाने वाला मांसाहारी, जिसने अपराध किया हो अपराधी, दूर की सोचने वाला दूरदर्शी, जिसमें जानने की इच्छा हो जिज्ञासु, सप्ताह में एक बार होने वाला साप्ताहिक, 100 वर्षों का समय शताब्दी, जो किसी का पक्ष न ले निष्पक्ष, ऊंचे कुल से संबंधित कुलीन, अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता, दूसरे देश में मंगाया जाने वाला आयात, जो छोटा भाई हो अनुज। आइए समश्रुत भिन्नार्थक शब्द देखते हैं। समश्रुत से अभिप्राय जो सुनने में समान लगे और भिन्नार्थक अर्थ है, भिन्न अर्थ वाला, जो शब्द सुनने में लगभग समान लगे परंतु उनका अर्थ भिन्न हो, उन्हें समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे शब्द और अर्थ देखिए, अचार नींबू आदि का अचार, आचार आचरण, अपेक्षा तुलना में, उपेक्षा अनादर, अनल आग, अनिल वायु, और तरफ और तथा, जलद बादल, जलज कमल, दिन दिवस, दीन गरीब, दिशा तरफ, दशा हालत, द्वार दरवाजा, द्वारा के माध्यम से, कपट धोखा, कपाट दरवाजा, कृपण कंजूस, कृपाण तलवार, कोष शब्द भंडार, कोष खजाना, धन संपत्ति, धान चावल, पक्का मजबूत, प्रमाण सबूत, प्रणाम नमस्कार, कर्म काम, क्रम सिलसिला, चर्म चमड़ा, चरम अंतिम, प्रसाद कृपा, प्रासाद महल, शाम संध्या, श्याम काला, शोक दुख, शौक चाव, सुत बेटा, सुत सारथी। आइए महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
परस्पर विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। अनेक शब्दों की जगह एक शब्द का प्रयोग भी किया जा सकता है। सुनने में लगभग समान लगने वाले शब्द जिनका अर्थ भिन्न होता है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।